वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे चिकन ब्रेड बॉक्सेस जो है वो रेडी हो गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ नॉरस वालों की भी एक रेसिपी है, तो सबसे पहले उसे प्रिपेयर कर लेते हैं। नॉरस वालों का आज मैं बनाने जा रही हूँ पाइनएप्पल बैश शेक। बनाना में भी आप बना सकते हैं, तो वो बनाना बैश शेक हो जाएगा अगर आप केले इस्तेमाल करेंगे तो। और मैं यहाँ पाइनएप्पल यूज़ कर रही हूँ, तो पाइनएप्पल बैश शेक है ये। सबसे पहले हमने 3 से 4 अदद पाइनएप्पल्स जो है वो इसमें डालने हैं, पानी के साथ ही हम डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें दूध, चीनी डालेंगे और बर्फ़ डालेंगे। दूध हम पूरा ही ले लेते हैं और नॉरस डालेंगे, रेड नॉरस हम यूज़ करेंगे, जो इसको बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सा कलर जो है वो देगा। ये ड्रिंक आप लोगों के लिए रमज़ान में जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और मैं यहाँ से पहले थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ एरिया को और फिर हम इसे ग्लास में शिफ्ट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये ड्रिंक बनता है, बच्चे इसे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैं कुछ डेकोरेशन के लिए जो है वो इसमें साथ में जो है वो देखती हूँ। जी, ये येलो कलर की हम जो है वो इसमें लगा रहे हैं एक अम्ब्रेला, और इसको जो है वो अच्छा सा सेट करते हैं ताकि बच्चे इसे अच्छी तरह से एंजॉय करें। और अगर आप घर में भी अपने इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो वो बच्चे इस मील को जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। आप लोगों के साथ पता ही नहीं चला कि कैसे एक महीना गुजर गया, और आमना ने जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, हेल्थ टीवी वालों ने जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, मैंने बखूबी निभाई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी मेरे साथ बहुत इंजॉय किया होगा, और आप लोगों से बिछड़ने का अफसोस तो मुझे बहुत है क्योंकि आप लोगों के साथ मेरी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लेकिन जाने से पहले मैं यही कहूँगी कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग दोबारा मिलेंगे एक अच्छे और मज़बूत रिश्ते के साथ। और इसके अलावा मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने डायरेक्टर, स्पेशली सबसे ज़्यादा अपने डायरेक्टर ज़िल भाई का, और मज़ीद यहाँ पर जो हमारे कैमरामैन हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, अनवार भाई, फैसल भाई, और उन सारे लोगों का जिन लोगों ने मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरह से कोऑपरेट किया, मुझे बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट किया, और ये प्रोग्राम मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इसे पसंद किया होगा। इंशाल्लाह हम लोगों की बहुत जल्द मुलाकात होगी। मेरी रेसिपीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सना आसिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।